वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं आईपीयू से एफिलिएटेड, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कौन कौन से कोर्स वहाँ कराए जाते हैं, उनका मतलब उस कॉलेज में उस कोर्स पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने बच्चों की सीट है, तो वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में कवर करूँगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मान लीजिए सारे लोग कमेंट्स मेरे को काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस कोर्स के लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप भले ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें या प्राइवेट में पढ़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉलेज में मैक्सिमम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, खासकर जैसे बीटेक वाले जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं मेरे, वो पूछते हैं कि मतलब इस कॉलेज में कितनी मतलब प्लेसमेंट है कि नहीं, इसकी कितनी फ़ीस है। बट फ्रेंड्स, अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं, गवर्नमेंट की कट ऑफ इसलिए हाई जाती है क्योंकि वो हाई डिमांड में रहती है। तो अब जैसे मान लीजिए आप कोई बेकार गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं बीटेक या कोई ऐसी डिग्री जिससे आपको प्लेसमेंट मिलेगी पास करने के बाद, तो अब आप अगर प्राइवेट से करेंगे तो आपका खर्चा अच्छा खासा लग जाएगा। तो फिर मैं आपसे एक बात बता दूं, लेकिन जो आपका खर्चा लगेगा वो आपका वसूल हो जाएगा। जैसे आप आईपीयू के बेस्ट बीटेक की कॉलेजेस है जैसे सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, और ये इनका अगर आप कंपेयर करें गवर्नमेंट कॉलेज जैसे अंबेडकर इंस्टीट्यूट से, तो फिर आपके जो प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है, ये जो महाराजा अग्रसेन है इसका इतना अच्छा है, ये DTU जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इनके लगभग बराबर इनका प्लेसमेंट हो जाता है। अब मान लीजिए आपने पैसे बचा के 4 साल बीटेक करी, बीटेक करने के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छी मतलब प्लेसमेंट लगे, अच्छी जॉब लगे। मैं बीटेक के लिए नहीं कह रहा, हर एक कोर्स के लिए कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे बीटेक को लिया है। तो वही बात है, अभी मतलब प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, इससे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ना मतलब सेल्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल वाला जैसा नहीं है यहाँ पर कॉलेज का, मैं बता देता हूँ। अब फिर फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, इतना तो आप मतलब जो मैंने बताया इतना तो काफ़ी लोग जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्टिंग पहले प्राइवेट से करता हूँ पहले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है आईपीयू में, तो इसलिए प्राइवेट से मैं डिफरेंस कोर्स के लिए बता देता हूँ, प्रोग्राम क्या है, कितना ड्यूरेशन है और कितना इनटेक है, मतलब कितने बच्चों की उसमें है सीट। तो पहले है ये MAT इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एम ब्लॉक साकेत में पड़ता है ये। तो ये BEd के लिए बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर BEd का कोर्स होता है 2 साल का एंड 50 इसमें सीट है, ठीक है। सेकेंड है MET लॉ स्कूल, ये सेक्टर 125 नोएडा में पड़ता है UP, यहाँ पर BA LLB कराया जाता है। यहाँ पर पाँच साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड है, और तो ये इसमें 300 बच्चों की वैकेंसी है, मतलब 300 बच्चों का इंटेक है इसमें। तो थर्ड पे है MET स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपका दिल्ली पालम विहार मतलब बिजवासन के उधर पड़ता है ये आपका। तो इसका जो इसमें काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते हैं, खासकर ये BTech के लिए मतलब पॉपुलर है। तो BTech में देखिए आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, IT और ये मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सारे ये सब कराए जाते हैं, मैकेनिकल वगैरह। ये 4 साल का BTech का कोर्स होता है, हर एक कोर्स में 60 सीट्स है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पॉज करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से मतलब क्लियर व्यू मिलेगा। एंड फोर्थ पे है MET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नंबर M1 ब्लॉक P5 सेक्टर पॉकेट 5 ग्रेटर नोएडा में, ये भी आपका इसे यहाँ पर MBA कराया जाता है। तो ये 2 साल का कोर्स है, 120 इनटेक है इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरे को लग रहा है आप बोर होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ, लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है कॉलेजेस है, इन प्राइवेट कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कौन से हैं, तो इनमें बच्चे मतलब कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि नाम लगभग एक जैसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फिफ्थ पे है फ्रेंड्स आपका ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर M1 ब्लॉक, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, BEd के लिए पॉपुलर है, 2 साल का कोर्स है, 100 इनटेक है। फिर है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नियर बेस हॉस्पिटल, ये दोस्तों जो MBBS की काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है MBBS के लिए, तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है MBBS आपका, और 100 लोगों की इनटेक है इसमें। फिर है बनारसीदास चंडीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका कालकाजी में है दिल्ली में, यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है 4 साल का, 120 इनटेक है इसमें। फिर यही जो सेम इंस्टीट्यूट है यही आपका मतलब उधर है, इसमें MCA भी कराया जाता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के पास जो करते हैं, ये 3 साल का कोर्स है आपका, 60 लोगों की इनटेक है। फिर यही सेम इंस्टीट्यूट है, इसमें आपका ये BPT MPT मास्टर इन फिजियोथेरेपी, ये सब ये सारे जितने भी कोर्स है आप पढ़ लीजिए, ये सारे कराए जाते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन है BPT का 4.5 साल है, बाकी जो कोर्स हैं इनके 2-2 साल हैं। और क्लोजर द प्रोग्राम मतलब ये जो इसकी जो सीट्स निकलती है वो BPT की तो 60 कन्फर्म है, बाकी ये जो कोर्स है इनके हर साल वेरी करती है, इसलिए इन्हें मैंशन नहीं किया। फिर इसी सेम कॉलेज में
आपको MBA, BBA और BBA के दो शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड ये कराए जाते हैं। तो इनके कोर्स जो MBA है वो 2 साल का है, BBA 3 साल का है, और MBA में आपकी 120 सीट्स है, BBA में 60 60 सीट्स, ठीक है। फिर भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोहिणी में आपका, ये स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए पॉपुलर है। तो इंजीनियरिंग की जो मेन जो देख लीजिए ब्रांचेज आप, ये सब यहाँ पढ़ाई जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 120 सीट है, बाकी IT और ये इलेक्ट्रिकल वगैरह में 60 सीट्स हैं। BBA में भी BBA भी कराया जाता है यहाँ पर, BBA में 3 साल का कोर्स है, 60 सीट्स है, ठीक है। MBA आपका 2 साल का कोर्स है, यहाँ इसमें भी 60 सीट है। फिर फ्रेंड्स अभी आती है भारतीय विद्यापीठ, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है ये, आप नाम तो सुना ही होगा इसका, ये बीटेक के लिए काफ़ी पॉपुलर है। बीटेक की मैक्सिमम सारी स्ट्रीम कराई जाती है इसमें। कंप्यूटर साइंस 4 साल का कोर्स है, 60 है इसके अंदर सीट। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 साल का ही कोर्स होता है बीटेक का, तो अब ये बार बार ना बोलूँ इसलिए। इसमें 120 आपके सीट है इनटेक मतलब, और बाकी जो ब्रांचेस सब में 60 60 है, ठीक है। इसमें शिफ्ट भी है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसा भी है सीन। फिर है भारतीय विद्यापीठ, इसमें ये सेम कॉलेज है, इसमें आपका ये MCA भी कराया जाता है, 2 शिफ्ट है इसमें भी, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पर 3 साल का है, 60 60 इसमें वो है इनटेक। एंड फ्रेंड्स अब आता है भगवान महावीर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जगदीशपुर नियर, ये सोनीपत हरियाणा में पड़ता है आपका, NCR का कॉलेज है ये, BR कराया जाता है, 5 साल का कोर्स होता है BR, 80 इनटेक है इसमें, ठीक है। फिर आपका चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ, प्लॉट नंबर OFC, मतलब ये है नरेला में पड़ता है दिल्ली का। इसमें सारे मैक्सिमम कोर्स जैसे BBA जो मैनेजमेंट वाले कोर्स है सारे कराए जा रहे हैं। BBA का 2 शिफ्ट है, BCA कराया जा रहा है, BBA CAM और BA LLB, BBA LLB, BCOM सेकेंड शिफ्ट, ये सारे कराए जा रहे हैं। तीन देख लीजिए फ्रेंड्स आप इनमें साइड बाई साइड कितने साल का कोर्स है और कितनी सीट है, बार बार मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एंड 16 पे आपका COMM IT कैरियर एकेडमी, ये आपका पड़ता है इधर शेख सराय में पड़ेगा, या आपका दिल्ली में ही है, यहाँ पर BCA कराया जाता है, 3 साल का कोर्स होता है BCA, 60 इनटेक है, ठीक है। फिर आपका दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च, ये आपको रोहिणी में पड़ता है Phase 3 में, यहाँ पर BBA कराया जाता है और BCOM कराया जाता है, ठीक है। तो इनटेक देख लीजिए आप कितना कितना है इसमें। फिर है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये आपका पड़ता है Sector 25 रोहिणी में, यहाँ पर BBA MBA BCOM ऑनर्स कराया जाता है, तो ये 3 साल 2 साल 3 साल का कोर्स है, इनटेक देख लीजिए। फिर है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होलाम्बी खुर्द दिल्ली में है ये भी, इस यहाँ पर आपका BA LLB लॉ वगैरह जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो कराई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें आपको प्राइवेट का बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको गवर्नमेंट का बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी 80 80 से ऊपर आपकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको गवर्नमेंट का बता दूंगा, इसमें प्राइवेट का पूरा कवर कर देता हूँ। फिर आपका दोस्तों 21 पे है दिल्ली मेट्रोपॉलियन पोलिटिन एजुकेशन, या इसमें आपको BBA BGMC सेकेंड शिफ्ट ये सब कराया जाता है, देख लीजिए दोस्तों। साइड बाई साइड दिल्ली टेक्निकल कैंपस DTCG जिसे कहते हैं हम, ये आपको नोएडा में है, यहाँ पर BTEC मतलब इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें कराई जाती है और BR भी कराया जाता है, साइड बाई साइड देख लीजिए दोस्तों। फिर इसी में आपका ये जो बिजवासन में है दिल्ली टीचर्स, मतलब यहाँ पर BEd के लिए पॉपुलर है, दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है ये। और फिर है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्लॉट नंबर 1037, ये मतलब कापासीडा में पड़ता है आपका, यहाँ BBA BCA और BGMC BBA BEd BCOM और ये BALLB BBALLB ये सब कराया जाता है फ्रेंड देख लीजिए। एंड ये आपका 25th पे आता है गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, ये आपका पड़ता है रोहिणी में Sector 7 में, यहाँ पर आपका BEd कराया जाता है एंड MBA और MBA BBA LLB BBA इस टाइप के कोर्स कराए जाते हैं। फिर है आपका गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन माइनॉरिटी कॉलेज है ये, और यहाँ ये आपका पंजाबी भाग में पड़ता है, तो यहाँ पर BEd के लिए ये कॉलेज 2 साल का कोर्स है, 100 इनटेक। फिर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका पड़ता है पंजाबी भाग वेस्ट में, तो यहाँ पर ये MCA BCOM ऑनर्स ये सब कराया जाता है। फिर आपका गुरुराम दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन वेस्ट ज्योति नगर में आपका, ये दिल्ली में पड़ता है शाहदरा में, यहाँ पर आपको BEd कराया जाता है। फिर है गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट, काफ़ी पॉपुलर है ये, ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये आपको पड़ता है रजौरी गार्डन अपोजिट
सुहाग आश्रम मंदिर दिल्ली में ही है ये भी, आपको बीटेक के लिए काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है ये। और यहाँ पर देख लीजिए ये सारे कोर्स कराए जाते हैं लगभग भी इसके बीटेक के, देख लीजिए। एंड HRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हमीदपुर दिल्ली में है ये, यहाँ पर भी ये बीटेक के देखिए ऊपर के ITCSE ECE MAE इलेक्ट्रिकल ये सारे कराए जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों साइड बाई साइड आप ये सीट वगैरह देखते रहिए, ठीक है। और ये देखिए बीटेक का MBA भी कराया जाता है इसमें। फिर आपका आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका करकरदुमा में है, ये दिल्ली में ही पड़ता है। यहाँ पर BA LLB BBA सेकेंड शिफ्ट, मतलब ये BBA CAM BBA सेकेंड शिफ्ट ये सब भी है इसमें। फिर आता है ICI इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस सेक्टर सी वसंत कुंज में पड़ता है आपका ये। यहाँ पर MPT न्यूरोलॉजी MPT ये सब मतलब जो कोर्स हैं ये सब मेडिकल वाले हैं ज़्यादातर, ये सब कराए जाते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स पॉज करके। फिर है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये आपका यहाँ पर पड़ता है रेड क्रॉस रोड पे दिल्ली में। यहाँ पर PGDD PR कराया जाता है, 1 साल का कोर्स है शायद डिप्लोमा इस टाइप का, इसके कोर्स के बारे में पता नहीं। ये आपका 40 लोगों की इंटेक इसमें। फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपका पड़ता है जनकपुरी में। यहाँ पर MCA MBA BCA और BBA BCom ऑनर्स ये कराए जाते हैं। फिर आपका आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, ये दोनों डिफरेंट है दोस्तों, कॉलेज एंड मैनेजमेंट ये आपको पड़ता है जनकपुरी में ही पड़ता है ये भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कराया जाता है BBA और BCA BCom ऑनर्स ये सब कराए जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, फिर ये आपको पड़ता है शेख सराय में फेज़ 2 दिल्ली में, यहाँ पर आपका BEd कराया जाता है। फिर आपका आता है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये आपको पड़ता है रोहिणी में, यहाँ पर आपको MCA BBA BCA ये सब कराए जाते हैं। फिर आपका आता है जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, ये आपका वसंत कुंज में पड़ता है, यहाँ पर BJMC BBA BCA ये कराए जाते हैं। और फिर आपका ये सेम कॉलेज है, इसमें ये आपको कराया जाता है BBA एंड BCom ऑनर्स ये सब कराया जाता है। फिर आता है आपका जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, ये भी पॉपुलर है बीटेक के लिए, बीटेक यहाँ पर मैक्सिमम सारे कोर्स है। और BA LLB भी कराया जाता है, BBA भी कराया जाता है, BEd BCA भी कराया जाता है यहाँ पर। फिर आपका आता है कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज़, ये आपका कालका पब्लिक स्कूल कैंपस अलकनंदा न्यू दिल्ली उधर पड़ता है, या BEd BCA दोनों कराए जाते हैं यहाँ पर। फिर आपका आता है कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन विलेज कुरेनी नरेला में पड़ता है ये दिल्ली में, BJMC कराया जाता है यहाँ पर, BBA BCom ऑनर्स ये सब कराए जाते हैं। फिर आता है आपका कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपका मोहन गार्डन में पड़ता है, यहाँ पर BEd BBA BCom BCA ये कराए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स ये आता है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका द्वारका में आता है, इसमें MCA कराया जाता है। फिर आता है लिंग्याज ललित देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये आपका मंडी रोड में आता है दिल्ली में पड़ता है, BBA BJMC BEd BCom ऑनर्स कराया जाता है यहाँ पर। फिर आता है आपका लक्ष्मी बाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये नर्सिंग के लिए पॉपुलर कॉलेज है, ये तुंगलकाबाद साइड में पड़ता है आपका, मेहरौली बदरपुर रोड न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर BSc नर्सिंग कराई जाती है। और है फिर मधुबाला इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विलेज मदनगिर न्यू दिल्ली BJMC, 3 साल का कोर्स है, 150 सीट इसमें। फिर आता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये आपका सेक्टर 22 रोहिणी में है, BBA BCom BJMC BA और BA LLB इंटीग्रेटेड ये कराए जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है अगर आपने सुना ही होगा इसका नाम तो। फिर आता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग है, ऊपर वाला मैनेजमेंट का है नीचे टेक्नोलॉजी का है, तो यहाँ पर BTech के सारे कोर्स है देखिए, और MBA भी कराया जाता है, BTech प्लस MBA जो होता है काफ़ी पॉपुलर है। फिर आता है महाराजा सूरजमल, ये भी बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, BCA का टॉप कॉलेज है ये। फिर यहाँ पर BEd BCA BBA BBA और ये BCom ऑनर्स ये सब कराए जाते हैं। फिर इसी का दूसरा है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, इसमें आपका BTech के सारे कोर्स कराए जा रहे हैं एंड BTech के लिए ये दूसरे वाला जो कॉलेज है। फिर है महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका पड़ता है सोनीपत में, BTech कराया जाता है यहाँ पर और BA LLB भी है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इंडस्ट्रियल एरिया जनकपुरी में ये MCA कराया जाता है, MBA कराया जाता है, BBA कराया जाता है यहाँ पर। फिर है MBA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और ये द्वारका में पड़ता है आपका, यहाँ BR कराया जाता है। फिर आता है न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपका तुंगलकाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में है, यहाँ BBA कराया जाता है आपका। फिर फ्रेंड्स आपका आता है नॉर्थन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉर्दर्न इंडिया, इसका नाम चेंज हो गया था अभी, अखिलेश दास गुप्ता नाम चेंज हो गया इसका, यहाँ BTech कराया जाता है, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। देखिए सारी स्ट्रीम है, दो दो शिफ्ट भी है, MBA और BBA भी कराया जाता है साथ में इसमें। फिर यह है प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रताप विहार। तो फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है आप काफ़ी बोर हो रहे होंगे, बट दोस्तों ये फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना। फिर यह इसमें यहाँ पर आपको BEd कराया जाता है, 2 साल का कोर्स है। फिर है ये पेरियार मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर कॉलेज 1 एंड 2 इंडस्ट्रियल एरिया, MBA कराया जाता है यहाँ पर। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ये रोहिणी में आपका, यहाँ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी का कोर्स कराया जाता है। फिर है आपका RC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपाल नगर नजफगढ़ में आई है, MCA BCA BEd BCom ये सब कराया जाता है यहाँ। फिर है रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये मधुबन चौक में पड़ता है रोहिणी में, यहाँ पर आपका MBA BBA ये कराए जाते हैं। फिर आता है संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ये आता है आपका बन्नी कैंप नजफगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के पास है, यहाँ पर आपका BEd BBA कराया जाता है। फिर आता है श्रीफर्ट कॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट रोहिणी में, ये आपका BCA कराया जाता है एंड BCom कराया जाता है यहाँ पर, सॉरी BBA भी कराया जाता है साथ में। फिर आता है श्री गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका आता है GTK रोड दिल्ली में ही है ये, यहाँ पर BBA BCA और ये कराए जाते हैं, सेकेंड शिफ्ट वगैरह सारी है इसमें। फिर आपका है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन विलेज बामोली द्वारका में है ये, यहाँ पर आपको BEd कराया जाता है। फिर आता है आपका श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में है ये, भागपत कोई जगह है उत्तर प्रदेश उधर है ये, यह आपका BEd BA LLB इंटीग्रेटेड BA LLB इंटीग्रेटेड ये सब कोर्स कराए जाते हैं इसमें। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, अब है अस्तवक्रा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलाइजेशन साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये आपका आता है मधुबन चौक रोहिणी में, और यहाँ BEd BASLP BEd स्पेशल एजुकेशन ये सब कराया जाता है। और ये आपका है सेंट ST लॉरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन गीता कॉलोनी, ये भी दिल्ली में आपका, यहाँ BEd कराया जाता है। फिर है आपका ST स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग 30 हजारी, ये दिल्ली में आपका BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग दोनों कराया जाता है। और यह है SGIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका जिंदल पाइप्स लिमिटेड जिंदल क्या है जिंदल नगर गाजियाबाद में है, यहाँ BBA BCA दोनों कराए जाते हैं। फिर आपका है टीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ मधुबन चौक रोहिणी में है, यहाँ BBA BJMC MBA MCA ये कराया जाता है यहाँ पर। फिर आपका है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ Sector 9 द्वारका में है, ये यहाँ पर आपका BBA BCA BJMC BCom ये कराए जाते हैं। एंड फिर आपका आता है वास्तुकला एकेडमी, ये आपका अरुणा असफ अली मार्ग न्यू दिल्ली में है, BR कराया जाता है यहाँ पर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। फिर आपका आता है VD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कृष्ण विहार सुल्तानपुरी दिल्ली में, BEd कराया जाता है यहाँ पर। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ और ये पीतमपुरा में पड़ता है आपका, यहाँ पर आप BA LLB कराया जाता है, BJMC कराया जाता है यहाँ पर। और फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर BCA भी कराया जाता है, BBA BCom LLM MCA BA होनर्स इकोनॉमिक्स होनर्स कराया जाता है। फिर ये नेक्स्ट कॉलेज पाते हैं BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड फजीलपुर पावर स्टेशन सोनीपत में पड़ता है ये, हरियाणा में, NCR में है। तो यहाँ पर ये BTech के सारे कोर्स कराए जाते हैं, BBA BCA MBA भी कराया जाता है। फिर आता है आपका दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका फरीदाबाद साइड में पड़ता है हरियाणा में, यहाँ MBA कराया जाता है। और फिर भगवान महावीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपका पड़ता है जगदीशपुर सोनीपत हरियाणा में है ये, यहाँ BTech कराया जाता है सिर्फ। और फिर आता है नेशनल हर्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर MSc नर्सिंग कराई जाती है। फिर आपका आता है लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन भारतीय विद्या भवन, यह आपका आता है गांधी मार्ग दिल्ली में, कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये यहाँ पर BEd कराए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स अभी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है,
तो फ्रेंड्स, अब मैं अभी इसी के बाद वीडियो बना ही रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अभी मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, ठीक है, बाय बाय।